नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडियन एडवेंचर ट्रेक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रकाश। मैं हूं नरेंद्र। आज हम जा रहे हैं वाटरफॉल और वहां पे एक मंदिर भी है, ठीक है। और ये जो हम जा रहे हैं ना, जो वाटरफॉल है कुंडेश्वर वाटरफॉल, वो बदलापुर से आना होगा। जुवेली करके गाँव है, वहाँ से आप लोगों को हार्डली कुछ 7 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। और बीच में आप लोगों को एक बोस डैम करके आपको पड़ेगा, जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। हम वहीं पे खड़े हैं, मैं आपको एक बार उसका नज़ारा दिखा देता हूँ। हम अभी कुंडेश्वर वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं। हमें एक बहुत अच्छा स्पॉट मिला है, आप लोग अभी देखेंगे पीछे वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि माउंटेन है चारों तरफ और यहाँ पे काफ़ी लोग फोटोशूट कर रहे हैं। और बारिश होने की वजह से यहाँ पे पूरा घास है, कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखो। और मेरे फ्रेंड से जानते हैं कि जगह उसको कैसी लग रही है, आपको कैसी लग रही है जगह? ये बहुत मस्त लग रही है जगह ये। अच्छा अच्छा, और आपको ये पसंद आ रहा है जगह, सच्ची बताओ है ना? तो हम लोग को भी अच्छा लगा, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा ही, क्योंकि हम आज मॉर्निंग से हम लोग आज घूम रहे। इसके पहले हम लोग कहाँ पे गए थे? इसके पहले भागीरथ वाटरफॉल। भागीरथ वाटरफॉल, अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? कुंडेश्वर वाटरफॉल। हाँ, वहाँ पे एक मंदिर भी है, वहाँ कुंडेश्वर टेम्पल, कुंडेश्वर टेम्पल वो भी कवर करने वाले हैं। तो ये आप लोगों को जगह बहुत पसंद आएगी, आप लोग आ सकते हो फैमिली के साथ में। अगर आप लोग गाड़ी से आ रहे हो, फोर व्हीलर से आ रहे हो, तो वेल एंड गुड, बिकॉज ईजिली आप लोग ट्रैवल कर पाओगे। और बाइक से आ रहे हो तो भी आप लोग आराम से दो जन ट्रैवल कर पाओगे। तो हम अभी जाने वाले हैं सामने, तो पूरा एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। वो साइड में एक डैम का पानी भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा दिखे ग्रीनरी पूरा। तो ये आप लोग यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू देख लो एक बार।
एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग अभी वाटरफॉल के बाद पहुंच चुके हैं। नाम क्या है वाटरफॉल का? कोंडेश्वर वाटरफॉल। कोंडेश्वर वाटरफॉल। और अभी हम मिले हैं रुपेश दादा से। रुपेश दादा कौन से गांव में रहते हैं? तारवाड़ी। बहुत ही खूबसूरत गांव है, एक छोटा सा गांव है, 22-23 घर है इस जगह पे, और बहुत ही खुश और अच्छे लोग यहाँ पे। और जो घर बने हुए हैं वो है लकड़ी से बना हुआ है, और जो गोबर होता है उससे बना हुआ है, देख के बहुत ही अच्छा लगा। रुपेश दादा, आपको ये गांव कैसा लगता है? कितने टाइम से रह रहे हो? बचपन से यहीं पे रह रहे हो? बचपन से। आपको अच्छा लगता है गांव में रहना? अच्छा लगता। आप कभी सिटी साइड में गए हो? कभी गए हो तो ज्यादा अच्छा लगा कहाँ पे आपको? गांव में अच्छा लगता है कि सिटी साइड में? गांव में अच्छा लगता है। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा, गांव सबसे बेस्ट होता है। अभी बारिश हो रही है बहुत जोर से, मुझे लगता है अंदर जाना पड़ेगा। चलो अंदर जाते हैं, बारिश आ रही है बहुत जोर से। अगर तुमचा नाव का है? नाव का तुमचा नाव? पुजारी दादा। ओके कसे तो बर वाटत की नाही? मस्त वाटते। ओके देखो अभी हम दादा से मिले हैं, और दादा यहाँ पे कितने सालों से, मतलब बचपन से रह रहे होंगे। और ये जो हम घर में रुके हैं ना, ये घर पूरा लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा घर है, छोटा सा घर है, मजा आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आई थिंक रात के टाइम पे लाइट भी नहीं आती होगी शायद, बिकॉज यहाँ पे बिजली शायद नहीं होगी शायद, तो यहाँ पे खाना पीना लकड़ी पे ही बनाते हैं सब लोग। तो बाहर बारिश आ रही है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट वेट। ये देखो ये है तारवाड़ी गांव से जो सामने नज़ारा दिखता है वो, और यहाँ पे बारिश आ रही है उसके वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता, कैमरा भीग जाएगा। यहाँ पे देखो जो लोग हैं ना बाइक पार्क किए हुए हैं, और ये जो घर का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। कैसा है घर आपको, कैसा लगा कमेंट करके बताना घर कैसा लगा। अरे रुपेश दादा है, बहुत टाइम से यहीं पे रह रहे हैं, और देखो गांव कितना खूबसूरत है, और घर देखो कितना मस्त बना के रखे हुए। वाव क्या खुशबू है यार, मिट्टी की खुशबू आ रही है। तो दोस्तों आप अभी हम जा रहे हैं जो तारवाड़ी गांव है, वहां से जो व्यू दिखता है ना वो देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, एकदम मस्त व्यू दिखेगा आप लोगों को। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, एक बहुत बड़ा डैम का पानी है, वो पानी भरा हुआ है, और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और अभी बारिश इतनी आ रही है कि अभी मतलब बराबर से दिख रहा नहीं है, फिर भी आप लोग एक झलक देख लो। ये देखो चुके कोंडेश्वर वाटरफॉल। ये जो है वाटरफॉल है ना, ये बहुत बड़ी नदी है, ठीक है? और आप लोग देख सकते हो, एक्चुअली ये रियल वाटरफॉल जो होता है ना वैसा तो हमें दिखा नहीं, यहाँ पे एक फ्लो होता हुआ वाटर है। ये देखो आप लोग कैसा ये पानी फ्लो हो रहा है, वैसा है।
जो जगह से हम जा रहे हैं ये एक्चुअली एक जो गांव वाले हैं ये लोग ने एक छोटा सा डैम जैसा पत्थरों से बनाया हुआ है और पानी रोका हुआ है। जो वाटरफॉल जो पानी है ये देखो ये भरा हुआ है, आई थिंक ये कुछ आधा फीट रहेगा, इतना भरा हुआ है। अभी तो बारिश नहीं है उसके वजह से ज़्यादा पानी है नहीं यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है जब ज़्यादा बारिश होगी तभी यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा और यहाँ पे आना मुश्किल है। और हम जिस रास्ते पे से जा रहे हैं ये एक्चुअली रिवर का पानी है, वाटरफॉल का जो पानी है वो रिवर बन रहा है उससे। और जो मंदिर है वहाँ पे मुझे लगता है उसका फॉल ज़्यादा गिर रहा है, तो अभी थोड़ा आगे जा के देखते हैं वहाँ से कैसा दिखता है वहाँ पे और क्या है देखने के लिए। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा डर लग रहा है, बिकॉज़ क्या है ना यहाँ पे हमें प्रॉपर रास्ता दिख रहा नहीं है क्योंकि खड्डे बहुत ज़्यादा है कहीं कहीं और कहीं कहीं पत्थर है। और यहाँ पे कैसे ना पानी जो ब्राउन होने के वजह से और स्काई जो है ना रिफ्लेक्शन की वजह से नीचे कुछ दिख रहा नहीं है, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होने की वजह से वाइट दिख रहा है। और पत्थर जो है ना काफ़ी चिकने हैं तो पैर काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को आने की यहाँ पे इतना अंदर ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे ये एक व्यू है ना वो आप लोगों को नीचे से मिल जाएगा देखने के लिए। और हमें आगे जाके देखना है, इसके लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पानी थोड़ा कम है और थोड़ा और आगे जाके देखते कुछ अच्छा जगह मिला तो आप लोग को भी दिखा देंगे इस वीडियो में। और आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो कुंडेश्वर वाटरफॉल। थोड़ा चलने में मुश्किल हो रही है मुझे क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एकदम चिकने पत्थर है, एकदम स्लिप हो रहा है। शूज़ अच्छा है फिर भी ग्रिप जो है ना हो रहा नहीं है, जो शूज़ है ना ग्रिप वाले, बट ये स्टिल फिसल रहा है एकदम पूरा। और मेरा फ्रेंड तो अभी वहाँ पे जाके क्रैब पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये यहाँ पे क्रैब ढूंढ रहा है ताकि वो पकड़े उसको, उसको बहुत शौक है क्रैब पकड़ने का। और यहाँ पे तो हमें अभी कोई क्रैब मिला नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊँ बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोग अगर नेचर लवर हो मुझे तो गारंटी है कि आप लोगों को ये जगह बहुत पसंद आएगी क्योंकि जगह है ही ऐसी। और अगर आप लोगों को नदियाँ पहाड़ झरने बहुत अच्छा लगता है तो आप लोगों को ये जगह 100% पसंद आएगी क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिखता है ना वो एकदम एकदम खूबसूरत है, एकदम पूरा यादगार व्यू दिखता है एकदम पूरा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे देख के। और मुझे लगता है यहाँ तक शायद ज़्यादा लोग आते नहीं होंगे, गांव वाले लोग आते हैं। आप लोग देख सकते हो कितने पत्थर है यहाँ से। ठीक है थोड़ा और आगे जाके देखते हैं क्या है, थोड़ा वेट करो अभी थोड़ा पहुँचने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे कुछ लोग अगर मिलेंगे गांव वाले तो हम उससे पूछेंगे कि आगे और क्या है। हमें कुछ तो लोग दिख रहे आगे, ये येलो टी शर्ट में एक गाँव वाला है शायद, उससे पूछते हैं कि आगे क्या है। और तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, तो फाइनली जो टफ रास्ता था वहाँ से हम लोग बाहर निकल के आ गए हैं। अभी देखते मेरा फ्रेंड कुछ पूछा जाके फटक जाके देखते कि क्या है वो क्या बता रहा है। लेट्स गो एंड लिसन दैट। अच्छा नाव का तुमचा काना आता तिथे इथे काय इथे का बघासाठी काय येते दगड जायचे धबधबा कुठे आहे तिथे कोंडेश्वर धबधबा दोस्तों। हम अभी बहुत आगे आ चुके हैं, फाइनली मेरा फ्रेंड को मोटिवेशन मतलब इसको फॉलो करते करते मैं आया हूँ यहाँ तक। और हम सोचे नहीं थे यहाँ तक आएंगे, लेकिन अच्छा लगा एक स्पॉट तक आए। आई थिंक यहाँ तक कोई ज़्यादा लोग आते नहीं है और हम यहाँ पे आए और हम आप लोगों के लिए यहाँ तक आए बिकॉज आपको दिखाना चाहते थे कि आगे और क्या है। और ऊपर जाना है तो पहाड़ मिलेगा, पहाड़ के ऊपर से आपको वाटरफॉल मिलेगा, बट वहाँ तक जाना मुझे लगता है रिस्क है। और मेन है कुंडेश्वर टेम्पल है ना, ये कुंडेश्वर टेम्पल है, वहाँ पे आप लोगों को वाटरफॉल मिल जाएगा जो कुंडेश्वर वाटरफॉल है। तो यहाँ पे रास्ते दो तीन गए हुए हैं, आप लोग गांव वाले से पूछ के आप लोग आ सकते हो। जो हम रास्ते से आए वही वाटरफॉल है और वही नदी का जो पानी है ना उससे वाटरफॉल बन रहा है। तो आप लोग को ये वीडियो तो डेफिनेटली पसंद आया होगा। हम और कुछ अगर इंटरेस्टिंग मिला तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। थोड़ा और बचा है वीडियो, आप लोग एंड तक देखना वीडियो को। फ्रेंड्स यही है कुंडेश्वर वाटरफॉल, हम अभी जहाँ पे खड़े हुए हैं वही है। आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते हैं हम लोग कुंडेश्वर वाटरफॉल, एक मिनट आप लोग देख लो। We'll be right back.
दोस्तों हमारा आज का जो ट्रिप है यहीं पर ख़त्म होता है, कोंडेश्वर वाटरफॉल। ठीक है, अभी यहाँ पे बारिश थोड़ा कम है तो जो वाटरफॉल होना चाहिए एक्चुअली में वैसा नहीं है, और हम अभी यहाँ पे खाली बस घूमे। तो बस यही था आज का जो ट्रिप है, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ज़रूर, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा। और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और नीचे यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे आप लोग के राइट हैंड साइड पे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाना ताकि आने वाले हमारे हर एक वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, और घंटी दबाना, ठीक है, बेल आइकन। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन एडवेंचर ट्रैक, और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।